सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले मैंने काउंसलिंग को लेकर के एक वीडियो बनाई थी। आपको पता है कि डिप्सार ने फाइनली अनाउंस कर दिया इस चीज़ को कि अब वो ऑनलाइन काउंसलिंग कराएगा। तो ऑनलाइन काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग जा करके चेकआउट जरूर कर लेना, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो और गलती कोई मत करना। आप लोग इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद पूरी पूरी प्रोसीजर क्या होती है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप क्या होती है, एनेक्सर वन क्या होता है, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, इन सारी सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको एडमिशन लेते वक्त किसी भी चीज़ का, किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और क्या है पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आप लोग जो परफॉर्मा देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का, ये मैंने लिया है यूनिवर्सिटी में जाकर के। ये कब होता है, ये जब एडमिशन होता है आपका, जिस समय आपके एडमिशन की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और जब आप लोग जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तब आपको कुछ इस तरीके का एक स्लिप मिलता है, ठीक है जी, इस तरह का कुछ स्लिप मिलता है और इसी के साथ अटैच करके आपके सारे सारे डॉक्यूमेंट जो है तैयार होते हैं और आपकी फाइल तैयार की जाती है। अब देखिए, इस सीक्वेंस में आपको जो है डॉक्यूमेंट को लगाना पड़ता है। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले आपको लगाना पड़ता है अपना 10th की मार्कशीट। देखिए, यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट को अटैच करना होता है और यहाँ पे आपको करेक्ट का निशान लगाना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट का निशान लगाना पड़ता है। फिर सेकंड पे क्या होता है, जीपैट स्कोर कार्ड। अब देखिए, जीपैट स्कोर कार्ड जो होता है वो होता है एम फार्मा में अगर कोई एडमिशन ले रहा है, तो आपको ये चीज़ नहीं लगाना है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कट हो जाता है। फिर यहाँ बात आती है आपको तीसरे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ द 10th है, इंटरमीडिएट क्लास 12th। अब यहाँ पे 12th की मार्कशीट आपको लगानी रहती है, ठीक है, 12th की मार्कशीट यहाँ पे करेक्ट कर दोगे आप लोग तो यहाँ पे 12th की मार्कशीट जो है वो लग जाती है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करेक्ट का चिन्ह दे देना, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे गाइड कर देते हैं जो भी लोग काउंसलिंग वहाँ पे करवाते हैं, जो टीचर्स होते हैं। अब बात आती है यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल लास्ट अटेंडेड। देखिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो स्कूल आपने लास्ट अटेंड किया होगा वहाँ से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट यूपी से हैं, ठीक है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, हिंदी में इसको प्रवचन प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है, प्रवचन प्रमाण पत्र। अब एक्चुअली मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट है नहीं, मेरा तो सबमिट हो गया था, वरना मैं आपको दिखा देता किस तरीके से होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रवचन प्रमाण पत्र। तो आपको जो है प्रवचन प्रमाण पत्र इसमें लगाना पड़ता है, ठीक है जी, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि पाँचवें नंबर पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपको लगाना पड़ता है। तो पाँचवें नंबर पर आपको पता है दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्कूल से ही मिल जाता है, ये किसी भी स्कूल द्वारा मिल जाता है। जब आप लोग स्कूल, जब आप स्लिप करते हो, जब 12th पास आउट करके निकलते हो, तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर यहाँ पे बात आती है प्रूफ ऑफ गैप पीरियड, इफ एनी। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, जो भी ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो कि ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ठीक है जी, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, जैसे मेरा क्या था, मैं जैसे 2018 में पास आउट हुआ हूँ, ठीक है, और 2021 में मैंने एडमिशन लिया, ठीक है जी, तो बीच में कितना आ रहा है, 3 साल का गैप आ रहा है, तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर जा करके सर्टिफिकेट लगाते हो, गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग क्या करो, जो आपका 3 साल का जो स्कोर कार्ड है इसको लगा दो, वो चीज़ गैप सर्टिफिकेट में काउंट हो जाएगी। और अगर आपका 1 साल 2 साल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, या तो 3 साल का गैप है और आपने बीच में कोई भी कोर्स नहीं किया, तब जाके आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपने कोई कोर्स किया है, ठीक है, कोर्स किया होना चाहिए, ये नहीं कि आप नीट की तैयारी करो, नहीं, कोर्स किया हुआ होना चाहिए, तब तो आप लोग उसको लगा सकते हो, नहीं तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, उसकी मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप लोग उसको देख लेना, चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम दी मेडिकल प्रैक्टिशनर होल्डिंग ऑन द डिग्री नॉट बिलो MBBS। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, नॉट बिलो MBBS, एनेक्सर वन। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एनेक्सर वन का एक कॉपी दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके कि आखिर आपको करना क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे शो हो रहा होगा एनेक्सर वन, देखिए यहाँ पे एनेक्सर वन शो हो रहा होगा, ठीक है, फ्रॉम आप मेडिकल सर्टिफिकेट। अब देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनता कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल सा आपको एक प्रक्रिया करना है। इसमें मैंने 2 फाइल अटैच किए हैं, ठीक है, एक है एनेक्सर वन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनेक्सर वन, और एक होता है एनेक्सर थ्री, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ जब आप लोग जाते हैं एडमिशन लेने, तो आपको दोनों निकलवाने पड़ते हैं। मैं इस दोनों का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सिंपली आप लोग इसको निकाल सकते हो। जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम का खुलेगा लिंक और वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर देना, क्योंकि आपको पता है प्रोस्पेक्टस में बहुत लंबा चौड़ा है, तो वहाँ से मैंने इसको 2 कट करके निकाल लिया है आपके सुविधा के लिए। तो देखिए होता क्या है, इसमें सिंपल से आपको इसको निकलवाना पड़ता है। जैसे आप लोग इसको निकलवा लोगे
आपको किसी भी आपके मोहल्ले में गली में कहीं ना कहीं MBBS डॉक्टर तो होंगे ही, ठीक है। वहाँ पर जाइएगा और अपने नाम वगैरह यहाँ पर भर लीजिएगा। नाम वगैरह आप तो जैसे फिल कर लोगे तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वो केवल यहाँ पर स्टाम्प लगा देंगे, डेट लिख देंगे और प्लेस लिख देंगे। यहाँ पर देखिए डेट जो है वो कोई भी चल जाएगा, जिस दिन आप लोग बनाइएगा उस दिन का लगवा लीजिएगा। प्लेस जहाँ से आप लोग बनाइएगा वहाँ का वो प्लेस डाल देंगे। और सिग्नेचर आप मेडिकल ऑफिसर, ये देखिए ये सिग्नेचर होना चाहिए और विद स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है, तभी वो मान्य होता है। MBBS का ही होता है होना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग जाकर नर्सिंग ऑफिसर से बनवा लो, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि डिग्री नॉट बिलो MBBS, ठीक है जी। तो आपके नेक्स्ट वन समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ मैं। अब बात आती है दोस्तों कि इसके बाद क्या है। चलिए नेक्स्ट वन के बाद यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास रखना है। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग 4 रख लीजिएगा, ठीक है। और कलर फ़ोटो रखिएगा, ठीक है दोस्तों, कलर फ़ोटो रखिएगा। अब यहाँ बात आती है नवीनतम एक्नॉलेजमेंट स्लिप की। देखिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ उसको आपको प्रॉपर सिक्वेंस वाइज में लगाना है, ठीक है। सबसे पहले आपका ये रहेगा, सबसे पहले जो दोस्तों रहेगा वो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट रहेगा ऊपर, ये तो फॉर्म आपको मिल जाएगा कॉलेज में, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरे पे रहेगा, तीसरे पे रहेगा, चौथे पे रहेगा, पांचवे पे रहेगा, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में लगाना रहता है। अब यहाँ बात आती है दोस्तों एक्नॉलेजमेंट स्लिप की। यहाँ पर देखिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप एंड फीस स्लिप। अब इसको लेकर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं कि ये क्या होता है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या होता है और आप लोग इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होगे आप लोग अपने डैशबोर्ड पर हो, डैशबोर्ड पर कैसे आना है, आप लोग अपने सिंपल से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर आ सकते हो, ठीक है। आप लोग लॉगिन करोगे जैसे अपना आईडी और पासवर्ड डाल के, तो आप लोग डैशबोर्ड को ओपन हो जाएगा। अब डैशबोर्ड में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे यहाँ पे माय एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे माय एप्लीकेशन, इसको कर लीजिएगा क्लिक। जैसे आप लोग दोस्तों यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन और शो होगा एडिट एंड व्यू का, ठीक है, एडिट एंड व्यू का। देखिए यहाँ पे एडिट एंड व्यू का आपको ऑप्शन एक शो हो रहा होगा, तो आप लोग इसको कर लीजिए क्लिक। अब जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो आपके सामने देखो ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप ओपन होकर आ गया। ये सारा का सारा जो आप लोग देख पा रहे होगे ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप ही आपकी, और इसमें आप लोग देख पा रहे होगे फीस स्लिप भी अटैच है। देखिए ये फीस स्लिप अटैच हो गया आपका। फीस स्लिप कौन सा है, ये जो आपने 1000 का डॉक्यूमेंट, जब आपने 1000 का वो जिस समय आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे उसमें आप लोगों ने 1000 दिया था उसका है, तो आप लोग इसको निकलवा लीजिएगा, ठीक है। सिंपली अगर आप लोग जाइएगा यहाँ से और इसको करवाइएगा यहाँ से प्रिंट, ठीक है, और इसको निकलवा लीजिएगा। अब इसको निकलवाने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या चीज़ शो हो रहा था कि आपको जो है एक और चीज़ देना है फीस स्लिप, ठीक है जी, फीस स्लिप। अब देखिए फीस स्लिप जब आप लोग पेमेंट कर देते हो, पूरी की पूरी मैं आपको चीज़ बता दे रहा हूँ, फीस जो होती है वो ऑनलाइन पेमेंट होती है। ऑनलाइन में आपको एक स्लिप मिल जाती है, जैसे ही करते हो एक स्लिप मिल जाती है, और उस स्लिप को जब आप लोग दिखाते हो ऑफिस में जा करके, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक रसीद कटती है। कैसी रसीद कटती है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों जैसे आप लोग ऑनलाइन अपने फीस को पेमेंट कर देते हो, जब आप लोग ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर आपको एक रसीद मिलता है, ठीक है। ये रसीद तब बहुत मिलता है आपको जब आपका पूरे पूरे जो है, इस रसीद के मिलने का मतलब ये हुआ कि आपका एडमिशन जो है वो पूरी तरीके से डन हो गया, ठीक है। अब किसी भी तरह का कोई झोल नहीं है, आपका एडमिशन पूरी तरीके से डन हो गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने जब एडमिशन लिया था तो ये मिला हुआ था आलोक गुप्ता, और ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है जी, और बाकी मैं जनरल दिल्ली नॉन दिल्ली से अकाउंट हुआ था और इस दिन को मेरा एडमिशन हुआ था। मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया था कि मेरा एडमिशन कैसे हुआ था, मुझे कितना जो दिक्कत का सामना करना पड़ा था, तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ आप देखिए आप लोग मेरे पैसे कितने लगे थे वो है। तो ये हो गया आपका एडमिशन स्लिप जिसका कि फोटोकॉपी करके वहाँ पे अटैच हो जाता है। चलिए ये तो आप लोग जान लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, अब क्या करना है आपको, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है जी, तो आप लोग यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपना लगा सकते हो, वरना कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ बात आती है दोस्तों NCL सर्टिफिकेट की। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि NCL से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी कि यानी कि जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और OBC सर्टिफिकेट उनके पास है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो आपका 1 जनवरी के बाद का होना चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले रहेगा चलेगा ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो 1 जनवरी के बाद का होना चाहिए। नहीं है और आप लोगों ने अभी तक बनवाया नहीं तो बनवा लो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है इसमें, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करके पूछ लो। और प्लीज़ हाय हेलो मत करना, डायरेक्टली बोलना आप लोग OBC NCL प्रॉब्लम, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा। तो इस तरह आप लोग मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो एक और चीज़ यहाँ पे आ रहा है, एनी अदर सर्टिफिकेट टू रिस्पेक्ट टू क्लेम मेड बाय एनी कैंडिडेट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग किसी कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हो, लाइक डिफेंस कैटेगरी से ले रहे हो या तो PWD से ले रहे हो या किसी भी कैटेगरी से ले रहे हो, ठीक है, अदर कैटेगरी से ले रहे हो, जैसे कि EWS से ले रहे हो या तो बहुत बार ऐसा होता है कि डिफेंस फिजिकली डिफेल्ड होते हैं
उसका टेस्ट दे रहे हो तो आपका उसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ठीक है। एससी एसटी कैंडिडेट होंगे तो भी आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, इसके लिए बता रहे हैं कि आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट फार्मेसी प्रूफ ऑफ द एप्लीकेशन सेल, ये नहीं, ये आपके लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए बस इतना ही है। और एनएसआर थर्ड एंड वन, यहाँ पे देखिए एनएसआर थर्ड एंड वन, देखिए आप लोग एनएसआर थर्ड का कॉपी जरूर निकलवा लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको वहाँ पे जाने के बाद फिर घूम के आना ना पड़े। एनएसआर थर्ड में आपको दिखा देता हूँ क्या है ये, देखिए ये अंडरटेकिंग है बेसिकली, एक आप लोग जब एडमिशन लेते हो एनएसआर थर्ड, ठीक है, ये बताते हैं कि आप लोग इंश्योर कर रहे हैं कि आप लोग का एडमिशन जो है वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और किसी भी तरीके कोई दिक्कत होता है तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल किया जा सकता है, ये इसलिए अंडरटेकिंग लगता है। तो आप लोग इसको निकलवा लेना, ठीक है, ये दोनों कॉपी आप लोग की ज़रूरत पड़ेगी, निकलवा लेना दोनों कॉपी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग सिंपली जाकर वहाँ से निकलवा सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन है, पूरा का पूरा प्रोसेस जो आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से आपको जाना है, काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग जो है ऑनलाइन मोड में होगी। तो अब जो लिंक आएगी, ठीक है, लिंक जब आएगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कि लिंक जब आ रही है तो आपको कैसे काउंसलिंग करना है, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ करके पूछ लेना कैसे करना है। और प्लीज़ गलती मत करना, गलती करोगे तो एडमिशन आपको कैंसिल होना पक्का है, ठीक है, इसी मैं इंश्योर कर दे रहा हूँ अभी आपको। तो आई होप कि आप लोग के वीडियो समझ में आया होगा, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।